हाँ हाँ मैंने टेस्ट दिया था जी, इंटरव्यू के 3 राउंड भी हो गए थे, फॉर्म भी भर दिया था। क्या मुबारक हो, फिर एक बार रिजेक्ट हो गए। थैंक यू, मिठाइयाँ लाओ मिठा। थैंक यू जी, जश्न तो पूरे मोहल्ले में मनना चाहिए ना। थैंक यू, आप खाएंगे? खाइए ना, खाइए। नहीं खाना आपको? कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ, फिर एक बार फेल हो गए हो ना। आप सोच रहे होंगे कि फेलियर होने पे तो सिर्फ डांट पड़ती है, और ये मिठाइयाँ क्यों खा रही है। खैर, यही तो समझाना है आपको इस शो के जरिए, दैट फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आफिया, और मैप ऑफ मी के इस शो में आपका स्वागत है। तो मैप ऑफ मी क्या है ये तो आप कुछ एपिसोड्स में जान ही चुके होंगे, बट लेट मी टेल यू वंस अगेन, मैप ऑफ मी एक ऐसा यूट्यूब डिजिटल चैनल है जो कि यंगस्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन सब टॉपिक्स पर आते हैं हम, जिससे वो अपने करियर को लेकर प्रॉपर ध्यान दे सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें क्या करियर लाइफ में अपनाना चाहिए, और साथ ही साथ हम न्यू स्किल्स आपको बताते हैं जो कि आपको एक अच्छा जॉब ग्रैब करने में या एक अच्छे प्रोफेशन में आने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हम ना ही आपको मतलब अवेयरनेस करें, बट साथ ही साथ आपको हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी बताएं। सो अभी आप सोच रहे होंगे कि हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं। सो लेट मी टेल यू, हार्ड स्किल्स वो होते हैं जो किसी भी प्रोफेशन में आने के लिए आपको अपनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कोडिंग स्किल्स आनी बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट स्किल्स वो होती है जो आपको अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एनहांस करती है, और इस शो में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उन सारे एंटरप्रेन्योर्स से मिलाएं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हार्ड वर्क किया है, और हार्ड वर्क करके और इन हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स को यूटिलाइज करके उन्होंने बहुत ही सक्सेस पाया है और दूसरों को भी बेनिफिट दिया है। अगर आप बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीतना चाहते हैं तो हमारे इस शो से जुड़े रहिए, और डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन द क्विज कॉम्पिटिशन आफ्टर एवरी शो। क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए www.mapofme.in पर आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हाँ, जब तक आप नहीं जीतोगे तब तक ट्राई करते रहिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम अक्सर फेलियर से क्यों डरते हैं। मेरे कहने का मतलब है, व्हाई डू वी ऑलवेज फियर फेलियर, हम फेलियर से क्यों डरते हैं। एक्चुअली मुंबई सपनों का वो शहर है जहाँ हर आदमी को फर्स्ट आने का मौका जरूर मिलता है, इन भागती हुई लोकल ट्रेन्स में, आसमान छूती इमारतों में, और सड़कों पे भागते लोगों की आंखों में, और हजारों सपने पलते रहते हैं मुंबई के लोगों की आंखों में। सोचो, अगर लीजेंड एक्टर अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो के इंटरव्यू में फेल नहीं होते तो हमें इतना बड़ा महान सुपरस्टार कैसे मिलता। अगर सचिन तेंदुलकर कभी 0 पे आउट ना होते तो उनमें 100 रन मारने की इच्छा कभी नहीं जागती। चैंपियंस के लिए प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम सब एक ही चीज है, और वो है फेलियर्स। और इसीलिए दोस्तों, फेलियर आपको कभी बॉदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ने के लिए दुगनी मेहनत कैसे करोगे। लाइफ में कॉम्प्रोमाइज मत करो, बल्कि खुद से प्रॉमिस करो कि आप पहले से बेहतर करोगे। हमें फेलियर को फ्लॉन्ट करना शुरू कर देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि माइक हाथ में लेकर टेबल पर चढ़कर लोगों को फेलियर के किस्से सुनाने चाहिए, या फिर हम एक फेलियर पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहाँ पर लोग आए और अपनी स्टोरीज सुनाएं।
या फिर व्हाट अबाउट अ फेलियर थीम वर्कशॉप, है ना, ताकि हम फेलियर को नॉर्मलाइज कर सके, उसे एक्सेप्ट कर सके. इतना ही नहीं, हम उस पर 2-3 जोक्स आसानी से क्रैक कर सके. तो पब्लिक, फेलियर से डरने का नहीं, उससे लड़ने का. क्योंकि दोस्तों, इंसान जिंदगी में बस 2 ही बार फेल होता है. पहला, जब वो खुद को इम्प्रूव करना चाहता है, और दूसरा, जब वो कुछ नया ट्राई करता है. और दोनों ही केसेस में आपको और हमें समझ ही आता है कि फेलियर इंसान का दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दोस्त है. सवाल ये है कि जब भी किसी चीज़ के मुकाम पर हम पहुंचते हैं, या फिर उसका एक सफ़र रहता है, उसकी एक जर्नी रहती है, तो इस जर्नी के बीच आपको कोई फेलियर महसूस हुआ, या फिर कोई ऐसी मुश्किलें आए, प्रॉब्लम्स आए, जिसको आपको फेस करना पड़ा? हर एक जर्नी में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो वैसे ही कुछ एक्सपीरियंस किए हैं. आई एम वर्किंग एज अ QA टेस्टर एंड हैविंग 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन IT. बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग के इंटरव्यूज होते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन, फिर हर एक एग्ज़ाम पास करके फिर वो जॉब हासिल करना. सो इट इज़ गिविंग यूर 100% टू अचीव दैट जॉब, टू गेट दैट जॉब. बीच में ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा काम है, लोड है, तो कैसे हैंडल करना है, वो कैसे अचीव करना है अपना गोल, टू मैनेज एवरीथिंग एट होम, घर का संभालो, ऑफिस का संभालो, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करो और उसके साथ सारे चीज़ें करो, वही सब करते करते इट इज़ गुड एक्सपीरियंस. घर का भी एक कैरेक्टर अदा करना पड़ता है, और साथ ही साथ ऑफिस में भी कैरेक्टर रोल प्ले करना पड़ता है. हर एक कैरेक्टर को अच्छे तरीके से निभाना पड़ता है. और 8 साल का ये लंबा सफ़र अब बेहद खूबसूरत रहा, जैसे कि आप कह रही हैं. कई बार जब फेलियर आता है, जब हम टूट जाते हैं, तब अक्सर फैमिली और फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आपका इस पर क्या कहना है? फर्स्ट तो फैमिली, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट रहेगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हो. और हर एक सिचुएशन से बाहर आने के लिए फ्रेंड्स तो चाहिए. विदाउट फ्रेंड्स इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. सो वो तो चाहिए ही. मतलब फ्रेंड्स से हम लोग जब बात करते हैं तो अलग अलग चीज़ें समझते हैं, उनका व्यू कैसे है वो सिचुएशन में, वो क्या कर सकते हैं, तो उससे भी हम लोग को नॉलेज मिलता है. वी कैन यूज़ दैट नॉलेज इन आवर सिचुएशन एंड देन कम आउट फ्रॉम दैट. एग्जैक्टली, जब प्रॉब्लम को बांटा जाता है तब उसका सॉल्यूशन भी आसानी से मिलता है. और फ्रेंड्स और फैमिली तो इसमें बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले ही करते हैं. अक्सर ऐसे पाया जाता है कि कई महिलाएं दब जाती है, घर और पारिवारिक निर्बंधों के दबाव में, और वो चाहती अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को पाना चाहती है, पर वो अक्सर वो कदम नहीं उठा पाती. तो उनके लिए आप क्या कहना चाह सकते हो, क्योंकि आप अभी एक हाउसवाइफ भी हो और आप एंटरप्रेन्योर भी हो, आप 8 साल से जॉब कर रहे हो, वो भी एक IT कंपनी में, तो उनको क्या सलाह देंगे आप उनके सपने, उनके ख्वाब को अचीव करने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान ने, या फिर अगर हाउसवाइफ है तो उन्होंने खुद को किस में इंटरेस्ट है वो पहले फाइंड आउट करना चाहिए. जिसमें इंटरेस्ट है उसमें अपना 100% देना चाहिए, और पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए. अभी तो इजीली हम लोग को सारे इन्फॉर्मेशन यूट्यूब गूगल पे मिल जाते हैं, या करेक्ट, तो वो सारे सर्च करके हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन फ्रीली मिल जाता है, तो वो लेना चाहिए. और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग को स्टेप बाय स्टेप वो गोल अचीव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए. एग्जैक्टली, जैसे कि सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, आपको जो अचीव करना है, आपको जो पाना है, उसके बारे में हमेशा इन्फॉर्मेशन गैदर करती रहनी चाहिए. साथ ही साथ जब फेलियर आता है तो लोग डर जाते हैं, और लोग फिर से कभी कोशिश ही नहीं करते, और वो कुछ अलग भी ट्राई करना नहीं चाहते. अगर एक किसी डिपार्टमेंट में, किसी जॉब या वैकेंसी में वो फेल हो जाते तो वो कुछ नहीं ट्राई करते, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करें? लाइफ में हर किसी को बहुत सारे मौके रहते हैं. ऐसा नहीं है कि एक मौका मिला, फेल हो गए तो ट्राई नहीं करना चाहिए. हमेशा ट्राई करते ही रहना चाहिए. अगर सपोज़ 100 वे से ट्राई कर रहे हो, 100 वे में फेल हो रहे, फिर भी एक वे ऐसा रहेगा आपके लिए कि जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हो. सो कीप ऑन ट्राइंग एंड गिव यूअर बेस्ट, 100%. एग्जैक्टली, कीप ऑन ट्राइंग एंड गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट. ये आकांक्षा जी है, और ये हमें बेहद ही अच्छी गाइड की, आप हमारे लिए इंस्पिरेशन है. सो थैंक यू सो मच. फेलियर इज नॉट द एंड, इट जस्ट द बिगनिंग. मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स, जहाँ पे करोड़ों लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, और न जाने कितनी बार वो हारते हैं,
काफी बार हारने के बाद, फेलियर लेने के बाद उन्हें सक्सेस मिलती है। तो आइए चले उन लोगों से हम पूछते हैं कि व्हाट फेलियर मींस टू देम। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अपने जिंदगी में कभी फेलियर को एक्सपीरियंस किया है? I play football, so it's not always that we win. Every time in life, whenever facing interviews and all. Okay, so उस failure से आपने क्या सीखा? Failure is always a stepping stone towards success, and I feel every failure teaches you to get back stronger. आगे बढ़ते रहो, कभी ना कभी तो अच्छा मिलेगा ही कुछ. To do better, like practice more. Exactly, practice करते रहने चाहिए, no matter what. It is not how life can put you down, it is how stronger you can get back to the life. फेलियर आपको मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए? फेलियर मुझे हमेशा मोटिवेट करता है हार्डवर्क करने के लिए एंड टू गेट बैक स्ट्रॉन्गर। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितना फेल होके सो यू लर्न फ्रॉम देम। एवरी फेलियर टीचेस यू समथिंग दैट यू डोंट नो, दैट इज़ व्हाई यू फेल्ड एंड द नेक्स्ट थिंग यू कैन गेट बैक विद दैट एक्सपीरियंस। यू नो मुंबई सपनों का शहर माना जाता है, और आपका क्या नज़रिया है इस मुंबई को देखने का? आप किस नज़रिए से देखते हैं मुंबई को? It's a beautiful city. Born, brought up in Mumbai, I feel it is a city of dream, and it is really true. Whatever dream you see, but yes, this is a city of dream, provided you have that caliber to make your dream into a reality. Facilities zyada hai, sab aasani se mil jata hai. Not that much aasani se, but compare karenge to easy hai yahan pe sab cheeze. Bahut tough bhi hai, but bahut jagah dekha jaye to hospitals, ye sab pass mein hi rehte hai, to easy hai. कहीं कांटेक्ट करना, कहीं जाना, कहीं से आना, मॉम तक कुछ पहुंचाना, वो सब थोड़ा बहुत इजी हो जाता है। तो आपने कहा कि यस आप फेल हुई, उस फेलियर से आपने सीखा, उस फेलियर के दौरान आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट था? यस ऑफ कोर्स, दे आर द पिलर्स। यस मेरे को मेरी मॉम हर जगह सपोर्ट करती है, तो मुझे सपोर्ट का कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। मॉम डैड मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तभी तो अभी तक मोटिवेटेड ही हूँ मैं। डू यू थिंक कि वुमेन्स ज़्यादा बेहतर तरीके से फेलियर को संभाल सकते हैं कंपेयर टू मेन्स, या फिर मेन्स ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल पाते हैं? वेल इट्स डिफरेंट इन सिचुएशन, मे बी वुमेन आर बेटर एट हैंडलिंग इट। आई फील दैट इट इज़ नॉट जेंडर बेस्ड, इट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर मेंटल कैपेसिटी कि तुम कितना मेंटली स्ट्रांग हो और तुम कितना फेलियर को हैंडल कर सकते हो। आई डोंट थिंक दैट इट इज़ अ जेंडर बायस क्वेश्चन, एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी अ फेमिनिस्ट काइंड ऑफ कि औरतें ही कर सकती हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ। आप हमारी ऑडियंस और व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं फेलियर्स के बारे में? यू नो अगर कभी वो अपने लाइफ में फेलियर्स एक्सपीरियंस भी करते हैं तो उन्हें क्या सोचना चाहिए? You should not feel down anytime. Just try to do better and one day you will find success at it. Failure सबको मिलेंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, but then उनसे demotivate होने का कोई मतलब नहीं है। वो वैसे भी मिल रही है तो क्यों ना motivate ही हो जाए। तो जितने positive हम बनेंगे उतना आगे हम जाएंगे। Don't stop. After every sunset there is a sunrise, and after every storm there is a rainbow. So just wait for that. देखो मुंबई जैसे कि एवरीवन नो कि ड्रीम सिटी है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ है, जिस फील्ड में काम करना है उस फील्ड में हमें एक एक्सप्लोजन मिलता है काम करने के लिए। सो हम कर सकते हैं, एंड यहाँ पर कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता, यहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही है, एंड अगर हमारे अंदर काबिलियत है तो हम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं इस शहर में। मैं यही बोलूँगी इस शहर के बारे में। आपको क्या लगता है कि फेलियर को एक फीमेल अच्छे तरीके से संभाल पाती है वर्सेस मैन, कि मेंस भी उतने ही अच्छे तरीके से संभाल पाते हैं? अभी इस बारे में तो मैं कहूँगी लाइक वुमेन्स बहुत स्ट्रांग होती है, इमोशनल भी होती है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होती है, कोई भी फेस वो लाइफ का अच्छे से हैंडल कर सकती है, फ्री कुछ भी कर सकती है। राइट, मेरा अगला सवाल ये है, आपको क्या लगता है फेलियर से आपने क्या सीखा? फेलियर से सबसे पहली बात सीखनी ये चाहिए कि हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, उसमें ढूंढनी है हमें अपॉर्चुनिटी उसमें। सो मैंने भी उसमें एक अपॉर्चुनिटी ये देखी कि एक साल है तो मैं क्या करूँ। आई वॉज लाइक कि व्हाट शुड आई डू नाउ, तो मैंने जॉब ढूंढी, मैंने क्योंकि हम कहीं पे भी, अभी मैं डिग्री करूँगी आगे तो मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, हर किसी को भी एक्सपीरियंस चाहिए। सो मैंने वो एक साल बहुत अच्छे से मेरे फील्ड में अच्छे से काम किया, एंड देन आई गेन्ड एक्सपीरियंस थ्रू इट, एंड देन मुझे आज वो एक्सपीरियंस बहुत काम आ रहा है क्योंकि आज कॉलेजेस में प्लेसमेंट आ रहे हैं या फिर कहीं पर भी मैं जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रही हूँ। सो मुझे प्लेस ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एक साल का, तो मुझे मिल रहा है जॉब उसमें। आपका सपना क्या है?
मुझे एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। वाओ, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे फेलियर्स के बारे में, अगर कोई फेलियर एक्सपीरियंस भी कर रहा हो तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे? हाँ, मैं यही बताना चाहूँगी कि लाइक जब हम उस जोन में होते हैं, फेलियर के जोन में होते हैं, तो हम बहुत लाइक कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि व्हाट शुड वी डू नाउ। तो हमें बस अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज ऑलरेडी टाइम वेस्ट हो रहा है। सो वी शुड नॉट डू दैट, वी शुड यूज़ आर टाइम, वी शुड एक्सप्लोर आर सेल्फ। इफ़ अगर हमें नहीं पता है कि क्या करना है, देन ढूंढो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन आर लाइफ, एंड आई एम डैम श्योर यू विल गेट अ रीज़न फॉर इट। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपने ज़िंदगी में कभी फेलियर को एक्सपीरियंस किया है? बहुत ही ज़्यादा बार, क्योंकि एथलेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन रहता है, तो इतने हीट्स में से अभी आप लाइक सिर्फ 3 ये होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, और वैसे भी सिर्फ 8 होते हैं जो एटलीस्ट फाइनल तक जाते हैं, इसीलिए फेलियर तो बहुत बार। उस फेलियर से आपने क्या सीखा? कि मतलब ज़्यादा करके तो कि सब लाइक हम लोग के बाजू वाले भी हम लोग को बोलते रहेंगे कि क्या तुम मतलब हर बार हारते रहते हो, बट इट्स फाइन, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हम लोग को ट्रेन वगैरह करते हैं, वो लोग हम लोग को हर बार बताते रहते हैं कि ठीक है ट्राई इट नेक्स्ट टाइम, तो और वो लोग मतलब दे टेक लाइक मोर रिगरस ट्रेनिंग, यू नो, तो हाँ इट्स ओके, लाइक इट्स गुड टू लर्न न्यू स्टफ आउट ऑफ द फेलियर। फेलियर के बावजूद भी आप नई चीज़ें सीखते रहने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला सवाल आपसे ये है, क्या फेलियर आपको मोटिवेट करता है और भी ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए? नहीं, मतलब ये थोड़ा ऐसा रिवर्स है, फेलियर की वजह से थोड़ा सब और मोटिवेशन लो हो जाता है कि अरे लाइक एवरी टाइम, बिकॉज एक ईयर में ऐसे हम लोग के बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक न्यू कॉम्पिटिशन्स, तो हर इसमें अगर हम लोग ऐसा लाइक फेल होते रहे ना, हर इसमें कभी हीट्स में आउट हो जाते हैं, कभी सेमीज में आउट हो जाते हैं, तो ऐसा बहुत बुरा लगता है, और लाइक आई डोंट नो, मतलब ऐसा मोटिवेशन नहीं लगता है, लेकिन अगर एट द सेम टाइम यू नो हम गिव अप नहीं करते, हाँ, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग अबाउट फेलियर कि वो आने के बाद भी गिव अप नहीं करते, दैट्स द मेन आई थिंक लर्निंग फ्रॉम फेलियर, राइट। आपका सपना क्या है? इतना ना ये नहीं हुआ अभी, जस्ट आई हैव पास 10, सो आई मीन आई एम डिसाइडिंग व्हाट टू डू अबाउट माय करियर, ओके, दैट्स नॉट येट वेल, दैट्स टोटली फाइन, डिस्कशन के लिए टाइम लेना इज टोटली फाइन। आपको मुंबई शहर के बारे में आपकी क्या राय? यू नो इट्स एज मुंबई सपनों का शहर है, यू नो इट्स अ ड्रीम सिटी, यहाँ पर आशा और होप क्यों नजर आती है, व्हाट डू यू थिंक? बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब ऐसे देर आर लाइक रियली यू नो सक्सेसफुल पीपल हु आर रेडी टू गिव अदर पीपल अ चांस, दैट्स व्हाई आई गेस। एग्जैक्टली, यहाँ पर हर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एक्सप्लोजन मिलता है, एंड आई थिंक दैट्स द स्पेशल एंड यूनिक थिंग अबाउट आवर सिटी। फेलियर के वक्त यू नो फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब आप फेल हुए तब आपको कितना इम्पॉर्टेंट लगा और आपको कितना सपोर्ट मिला? वैसे तो लाइक फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स तो मतलब यही करते थे कि अरे ठीक है ना नेक्स्ट टाइम डू इट अगेन, दे नेवर से कि अभी नहीं हो रहा है तो छोड़ दे नेवर डू दैट, सो इट्स लाइक रियली नाइस थिंग अबाउट देम। मेरा अगला सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक, आई नो दिस इज क्वाइट अ टफ क्वेश्चन, बट व्हाट डू यू थिंक, वुमेन कैन हैंडल फेलियर मच मोर बेटर वर्सेस मैन और वाइस वर्सा? I mean, I don't think so. Like, I don't know, because like I have an elder brother and then he has also failed in different situations. But then like both of us have like tried to comfort each other. So rather than saying ki alag alag, so ek saath dono, you know, they right. can handle but the situation better. He cannot just you know keh sakte ki ye acha better karta hai, ek se zyada better karta hai. दोनों एट देयर कंडीशंस बैलेंस कर लेते हैं अपने आप को, राइट। द लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे आपकी जैसे यंग ऑडियंस एंड व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे अबाउट फेलियर एंड एवरीथिंग? इट्स ओके टू फेल, क्योंकि मतलब हर बार तो जीत नहीं सकते, क्योंकि मतलब कोई जीतेगा और कोई हारेगा तो सही ना, नहीं तो लाइक हाउ विल यू विन इफ देयर इज नो लूजर इन द गेम, तो इट्स ओके, यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड देन जस्ट डोंट स्टॉप, लाइक देयर इज नो पॉइंट इन जस्ट स्टॉपिंग योर गेम और व्हाटएवर इट इज, राइट। सो थैंक यू सो मच, एक्चुअली आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हमें, एंड दैट्स यंग एथलीट दोस्तों जो हमें इंस्पायर कर रही हैं, एंड शी सेज नो मैटर व्हाट, आप कितने बार फेल हो जाओ, इट्स ओके, ट्राई करते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। तो देखा दोस्तों, लाइफ में अपने फेलियर्स से कभी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि अपने फेलियर स्टोरीज को अपना इंस्पिरेशन बनाना चाहिए। एक कहावत है, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, Make sure you always get up. खुद पर हमेशा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ऐसे कई महान शख्सियत ने पहले ही कह दिया है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए-जंग में,
गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में, वो क्या खा गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। कुछ ज्यादा ही उर्दू हो गया ना। आई नो लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास इसी अर्थ का एक हिंदी कहावत भी है, मंजिल मिल जाएगी भटक कर ही सही। मंजिल मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या खूब कहा है तुमने। मैं तुम्हारी बात से पूरी सहमत हूँ। और वैसे भी अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें हमेशा पाना चाहिए। और ये तो मुंबई नगरी है मेरे दोस्त, यहाँ पे तो काफ़ी लोगों के सपने पूरे हुए। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को ही देख लो। एग्जैक्टली। और अगर आपके पास आपकी कोई फेलियर स्टोरी है तो बिल्कुल हमें बताइए, ताकि दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। और वैसे भी अब वक्त आ गया है हमारे क्विज कंपटीशन में पार्ट लेने का और ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का। तो हमारे क्विज का पहला सवाल ये है कि हार से आप क्या सीखते हैं, और दूसरा सवाल ये है कि मुंबई शहर और भी किस नाम से जाना जाता है। सवाल के जवाब देने के लिए विजिट कीजिए www.mapofme.in, यानी हमारी जो वेबसाइट है उस पर विजिट कीजिए, सारे सवालों के जवाब दीजिए और ढेर सारे एक्साइटिंग प्राइजेस ले जाइए। और साथ ही 26 स्टेप चैलेंज जो है वो भी पूरा कीजिए, ताकि हम आपकी एंटरप्रेन्योर बनने में मदद कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश बेहद पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारी ये इनिशिएटिव आप सभी दुनिया के सामने लाए। कदम कदम बढ़ाए जा न डर, कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा न डर, कदम बढ़ाए जा।